अब else की कंडीशन में हम कैसे यूज करते हैं, इफ else सिर्फ जितने चाहे बीच में ऐड कर दें कंडीशन के तौर पे, फाइनली else में आप यहाँ लिख दें else, और else का लास्ट में ब्लॉक यूज होता है, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं सी आउट लेस देन टैक्स एग्जेम्प्टेड, मतलब टैक्स से इस्तेश्ना है, इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे एक न्यू लाइन भी लगा देते हैं और इसके एंड पे भी एक न्यू लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में डालेंगे, अच्छा अब यहाँ पे एल्स विदाउट प्रीवियस इफ, कहाँ लगाया मैंने एल्स, अच्छा गलत जगह पे लगा दिया, एल्स हमेशा याद रखेंगे सबके आखिर में लगेगा, जहाँ पे आखिरी एल्स इफ होगा उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब मैंने यहाँ पे 4000 लिखा, एंटर किया, सही आ रहा है आंसर, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे 5000 एंटर किया एंड टर्न किया, सही आ रहा है आंसर। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2000 और एंटर कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, 20000 बन गए, टैक्स सही लग गया, बिल्कुल ओके जगह, ठीक है। और अब मैं इससे भी लोअर वैल्यू डाल रहा हूँ, सपोज टू बी 1000 और 10 क्वांटिटी, फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 क्वांटिटी 3000, और अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यूनिट प्राइस 3000 हो गया, क्या लिखा हुआ रहा है, टैक्स एग्जेम्प्टेड, सेल टैक्स क्या हो गया आपका, तो एल्स का कोड कब चला, जब जितनी कंडीशन आपने बताई, इफ इंक्लूडिंग एल्स इफ, जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका ये कोड चलेगा, ये डिफॉल्ट है और ये कंडीशंस है, ठीक है। तो इस तरह हम इफ के साथ एल्स इफ के साथ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली एल्स और एल्स इफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने बताया था एल्स इफ और एल्स भी साथ नहीं इस्तेमाल हो सकते, इफ एल्स इफ इस्तेमाल हो सकते हैं, इफ एल्स इस्तेमाल हो सकता है, इफ एल्स इफ एल्स इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इफ का शुरू में आना लाजमी है।